डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ ईदगाह से बाहरी राज्यों के लिए अवैध रूप से संचालित बसों की रोकथाम की शिकायत रेलवे रोड इंस्पेक्टर आनंद कुमार गौतम को नागवार गुजरी। भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा से उन्होंने साफ कहा कि जो भी कहना है थाने आकर कहें, फोन पर नहीं। इस पर देर रात बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं संग कमल दत्त शर्मा व संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता रेलवे रोड थाने पहुंच गए। वहां हंगामा होने के दौरान भाजपाइयों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों भाजपा नेता वहीं कुर्सी डालकर बैठ गए। भाजपाइयों का भारी जमावड़ा देख इंस्पेक्टर आनंद कुमार गौतम व थाना पुलिस बैकफुट पर आ गई। वह कमल दत्त शर्मा की मान मनोबल में लग गए। इंस्पेक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर कमल दत्त को समझाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता चिल्ला पड़े, कंधे से हटाकर बात करो। इस पर कमल दत्त शर्मा ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये बात याद रखना, 80,330 वोट मिली हैं, संभाल नहीं पाओगे, शेर को सवा शेर भी मिल जाएगा। अब सुनिए किस तरह भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने डगमार बसों के अवैध संचालन ने रोकने पर रेलवे रोड इंस्पेक्टर व बाकी थाना पुलिस से क्या कहा। बनाने की बात कह रहे हैं ना भाई साहब, नहीं नहीं एक बात बताओ, उसमें क्या माल जा रहा, किसी की कोई गोली जा रही है या कोई GST की चोरी जा रही है? एक एक स्कूटर मोटरसाइकिल का चालान करते फिर तो करना भी चाहिए। अगर कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला गलत जा रहा है, कागज नहीं है या प्रदूषण नहीं है, उसका चालान होना चाहिए ताकि जुर्माना उसके परिजनों को भी पता चले। लेकिन 100 सीटर की बस से निकल के जा रही है और ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है उन बसों का, तुम्हें पता नहीं, और बिल्कुल नाक के नीचे। और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम उससे कहो कि थाने पे आ जा। अरे भैया ये तमीज है तुम्हारे, और तुमने कहा बुला लो, तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिली है, ये ध्यान रखना। भाई वाली बात करी तुमने एक बार भी? अभी तुम्हारी बात आज भाई तुम सुनवाओ, रखने की बात कौन सा इनसे गलत काम का, आज तक बताओ। ये बैठे इनसे कोई गलत काम का या किसी काम में साली दलाली करवाई हो किसी की, तो बताओ जरा मुझे। अरे भैया हाथ मिला के वही बात कर सके, इसमें दम हो। और सुनो, मैं तुम्हारा मान मर्दम करने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी बताने आया हूँ। यही इंडिया कंपनी नहीं है, पुलिस है। तुम जिस पर चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो, उससे शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे से तहजीब से भी बात करनी है और तुम्हें लाइन पे भी लाना है कि तुम किसी आदमी से गलत ना बोल सको। तुम मेरे से ऐसा बोले, जनता से तो पता नहीं क्या रूप रहता होगा तुम्हारे हमारे क्षेत्र का। बताओ, सिर्फ अजय भाई साहब की वजह से तुम्हें फोन नहीं करते, सिर्फ अजय भाई साहब की वजह से। यहाँ बराबर में अजय भाई साहब बैठे, पूछो जो आपके आपके पास ही बैठे, अगर किसी आज तक इन्होंने किसी बारे में कोई बात आपके आपको तो मेरी बात आपके साथ है, आपकी वजह से ही तो है सब कुछ। थोड़ी होता है धरना समाप्त होने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने यह बताया। ऐसा है कि यहाँ कुछ इस तरह का मामला था कि बसें खड़ी हैं, अवैध बसें हैं, और वो बसों में सवारी के बजाय मालगाड़ी जैसी वो बसें बना रखी हैं, उसमें अवैध तरीके से यहाँ से माल जा रहा है। अब ये क्या माल है, क्या GST की चोरी है, उस संबंध में इंस्पेक्टर साहब से कहा था तो इंस्पेक्टर साहब का रुख अच्छा नहीं था फ़ोन पे, जिसके कारण सब कार्यकर्ताओं को यहाँ आना पड़ा। अब हमें पुलिस की तरफ से ये पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद में उन लोगों को उनके खिलाफ FIR होगी, और अब किसी तरह का कोई भी इस तरह का इनलीगल काम यहाँ पर नहीं चलेगा, ये हमें बताया है। और हमने आला अधिकारियों से बात करी है, कल को हम कप्तान साहब को भी अवगत करा देंगे, और हमें ये कह दिया गया कि अब इसमें आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो। अब हम एक मिनट
एक मिनट, ऐसे क्या करें? हाँ जी बताइए। ऐसा है, ये धरने पर नहीं बैठे, सब कुर्सियों पर बैठे थे। और दूसरी बात ये है कि भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए हैं, पुलिस की सेवा के लिए नहीं है। हमारा काम जनता को जवाबदारी, हमारी पुलिस जवाबदारी नहीं देगी, यहाँ यहाँ जनता को जवाबदारी हम देंगे। और अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवहार होगा तो एक बार नहीं 10 बार थाने पाएंगे। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। मैं हूँ रवि शर्मा, नमस्कार।